वेलकम जी, मेरा नाम दानिश अली है और आज हम आपको दिखाएंगे एक डीसी फॉक लिफ्टर जिसको हमने रिस्टोर किया है और रिपेयर किया है। है और आप देख रहे हैं डी एन सोलर सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक 48 वोल्ट का कमार्सू का लिफ्टर का हमें प्रोजेक्ट मिला था, ये वर्क नहीं कर रहा था, तो हमने इसको एक दफ़ा टेम्परेरली ऑन किया है वर्कशॉप तक ले जाने के लिए। तो आप हमारी जो बैटरीज हमने इसमें इंस्टॉल की हैं वो बैटरीज देखें। तो ये हमारा हमें हमने से पावर बटन लगाया है, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते देखें फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना हमने ज़बरदस्त इसको कर दिया है। इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल रिपेयर करने के बाद आपको वीडियो दिखाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानिश अली है और आप देख रहे हैं डी एन सोलर सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने पहले देखा कि हमने लिफ्टर को एक जगह से निकाला छोटी बैटरीज लगा के, तो आए अब हम आपको लिफ्टर दिखाते हैं। तो फ्रेंड, ये वो लिफ्टर है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका वो सेक्शन है जो इसको प्रॉपर इसके पावर को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसकी जो कंट्रोल वायरिंग थी उधर चूहों ने तमाम तारें काट चुके थे। ये इसका सॉफ्ट स्टार्टर का सेक्शन है, इसकी भी तमाम वायरिंग चूहे काट गए थे, पानी डल के कुछ चीज़ें ख़राब, मतलब ये पूरी तरह ख़राब हो चुका था। तो हमने क्या किया, इसको एक दफ़ा आर्टिफिशली स्टार्ट किया, इसकी कंट्रोल दोबारा से बनाई, इसको एक जगह से मूव करके चार्जर के पास लाए। चलें अब आपको हम चार्जर दिखाते हैं। ये तकरीबन 1 टन कैपेसिटी का लिफ्टर है, ये देख सकते हैं आप, ये छोटी छोटी बैटरीज थी जिनको लगा के हमने इसको मूव किया। ये बैटरी 12 वोल्ट 18 एम्पेयर की बैटरी है, तो ये इसका ओरिजिनल पावर बैटरी बैंक है। ये बैटरी बैंक तकरीबन 350 एम्पेयर का है, 48 वोल्ट का है। तो क्योंकि ये बैंक बिल्कुल लो था, जिस जगह लिफ्टर खड़ा हुआ था वहाँ पे सप्लाई मौजूद नहीं थी, तो हमने इसको मूव करके सप्लाई तक लाना था, तो हमें छोटी बैटरी लगा कर इसको लाना पड़ा। ये आप देख सकते हैं, ये इसका चार्जर है, ये तकरीबन 600 एम्पेयर का बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जर है, तकरीबन ये 100 एम्पेयर तक चार्जिंग कर सकता है। अभी हम आपको दिखाएंगे चार्जिंग, इसकी बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही। तो ले जी, मैं अपना एम्पेयर मीटर देख लूँ, मिल गया। तो ये देखें जी, ये एक एम्पेयर मीटर है, इसको हम सेट करते हैं 40 पर। ये जी, ये देख, आप देख सकते हैं 25 एम्पेयर के करीब इसकी चार्जिंग हो रही है। अभी आहिस्ता आहिस्ता चार्जिंग बढ़ के 30 से 35 एम्पेयर तक जाएगी, तो क्योंकि ये 350 एम्पेयर का है, तो इसको 35 एम्पेयर के करीब चार्जिंग चाहिए। तो इंशाल्लाह चार्जिंग आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंप्लीट करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लिफ्टर है, ये बहुत अच्छा लिफ्टर है, लेकिन बस इसको चूहों ने तारे इसके काट दी, ये ख़राब हो गया। तो अभी इंशाल्लाह हम आपको इसकी मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे रिपेयरिंग की, इसको किस तरह रिपेयर करना है, इसके क्या क्या पार्ट्स हमने चेंज किए और इसको हम किस तरह मूव कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।